नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। अयोध्या से बाल मजदूर का मामला आया सामने, सरकारी कामों में बढ़ती जा रही लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारी दिखे मामले से नदारद। जौनपुर में बसपा ने बीजेपी पर किया जुबानी हमला, बसपा नेता बोले नहीं। और अपराध की चरम पर, 5 साल में बीजेपी सरकार हुई थी। और लखनऊ में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन, बच्चों और शिक्षकों ने फैलाई जागरूकता, रैली में बच्चों ने दिया जागो मतदाता भाग्य विधाता का नारा। अयोध्या की मिल्कीपुर विकास खंड से बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। यहां 12 साल के बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सरकारी कामों में अनदेखी भी हो रही है। इस मामले को लेकर लगातार 3 दिनों से खबरें भी प्रकाशित हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में विगत 1 हफ्ते से नाली निर्माण कार्य और सामुदायिक शौचालय का काम चल रहा है। देखने में आया है कि इसमें केवल बालू से जुड़ाई का काम चल रहा है, पीली ईंटों का प्रयोग हो रहा है और इतना ही नहीं, 12 साल के बच्चों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन श्रमिक विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जबकि यह कार्य अधीक्षक मिल्कीपुर और खंड विकास अधिकारी की निगरानी में चल रहे हैं। इस मामले पर खंड विकास अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनका नंबर बंद था। और जब सहायक विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। बहराइच के पयागपुर में अवैध पीली बालू का खनन नहीं थम रहा है। सूत्र बताते हैं कि दिन रात अवैध बालू मिट्टी के खनन का काम चल रहा है और अच्छे रोड को गड्ढे में तब्दील किया जा रहा है। इतना गहरा गड्ढा जिसमें आदमी क्या, जानवर भी गिर जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस खबर के चलने के बाद शासन प्रशासन जागता है या फिर नहीं। अयोध्या के मिल्कीपुर में लाखों की एम्बुलेंस कूड़े का ढेर बन रही है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट के सामने खड़ी लाखों की एम्बुलेंस कूड़े का ढेर बनती जा रही है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि मरीजों को ठेले पर ले जाया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस को सही नहीं कराया जाता। एम्बुलेंस की सर्विस और सुरक्षा दोनों को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे लाखों की एम्बुलेंस को कूड़े का ढेर बनने में देर नहीं लगती। वैसे यह एम्बुलेंस सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना थी, जो धरातल पर कूड़ा बनती हुई नजर आ रही है। इस पर स्वास्थ्य महकमा भी चुप बैठा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीनस्थ कर्मचारियों से इस मामले पर बात की गई तो वे आनाकानी करते दिखे। वहीं अधीक्षक महोदय नजरअंदाज करते हुए इस मामले में पाए गए हैं। अरावली की हरिपुरा ग्राम पंचायत को एक युवा सरपंच मिला है। यहाँ संजय भाई बाबू भाई रबारी ने 1050 मतों से जीत हासिल करते हुए कम उम्र में सरपंच बनने का तमगा हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ संजय भाई बाबू भाई रबारी ने अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। इसके चलते पूरे गांव में खुशी की लहर है। वहीं उनके समर्थकों में खुशी की लहर को देखते हुए जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जौनपुर के केराकत में बसपा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। यहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी की 5 साल की सरकार में ब्राह्मणों के 100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जो योगी सरकार की मेहरबानी है। योगी सरकार ने 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो जाने के बाद भी कोई काम नहीं किया। योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ऐसे में सरकार को हटाना कर्तव्य है। सतीश चंद्र मिश्रा की माने तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है और अपराध भी चरम पर है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यूपी में खेल मंत्रालय और सरकार हमेशा से ही बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए प्रयासरत है। वहीं स्थानीय समाज सेवी भी इसमें पीछे नहीं है। अब इसी कड़ी में बलरामपुर जनपद के उतरोला में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। देखने में आया है कि इस टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों के जोश को देखते हुए समाज सेवी और जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीफ खान ने विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद और उपविजेता टीम को 5,100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है। साथ ही दोनों टीमों को साइकिल देने की भी घोषणा की है। बता दें, हसीफ खान उतरोला विधानसभा से सपा और जनवादी पार्टी के संभावित विधानसभा प्रत्याशी भी हैं
और निरंतर क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बलरामपुर से संवाददाता दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। मैंने श्री हसीब खान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस क्रिकेट मैदान में आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और मैं अपने सभी खिलाड़ियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे उतरौला विधानसभा 293 से ये विधायक बनते हैं तो हम लोगों के सामने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। तौली और चौधरी पुरवा टीम का फाइनल मैच था, दोनों टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया। दो तीन दिनों से इनसे बुलाया जा रहा था फाइनल मैच आज के लिए, मैंने ही समय दिया था कि आज ही रखिए ताकि मैं आप लोगों के साथ समय बिता सकूं। दोनों प्लेयरों को मैंने उत्साह बढ़ाया और जीतने वाले प्लेयर को 11,000 रुपये पुरस्कार और जो प्लेयर रनर अप में है उसे 5,100 रुपये तथा दोनों टीमों को मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है, दोनों टीमों को साइकिल भी उन्हें इनाम में दिया जाएगा। यूपी के लंबुआ में नन्हे मुन्ने बच्चों और शिक्षकों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान बच्चों ने पहले मतदान तब जलपान का नारा भी दिया, जब जागेगा गाँव का यूथ तभी मजबूत होगा अपना बूथ और जागो मतदाता भाग्य विधाता जैसे नारों के साथ बच्चों और शिक्षकों ने मतदाताओं को जागरूक किया है। बता दें, स्वीप कार्यक्रम के तहत कंपोजिट विद्यालय भरकट में उपजिलाधिकारी वंदना पांडे के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। इस मौके पर वंदना पांडे ने कहा कि पुरुष और महिला वोट अनुपात के अंतराल को कम करना है और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाना है। लंबुआ से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हाल ही में पीएम मोदी की जनसभा में जा रहे भाजपा के बूथ कार्यकर्ता की बस भिड़ंत में मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें, यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए पीएम मोदी यूपी दौरे पर थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मक्कूपुरवा का रहने वाला रूपराम भी बस में सवार था, लेकिन रास्ते में ही बस का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद इलाज के दौरान रूपराम ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद भाजपा से संभावित प्रत्याशी सत्यम सिंह कनौजिया मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया। हरदोई से संवाददाता चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। अरावली की शिनावाड़ समूह ग्राम पंचायत में रमेश भाई पार्थी भाई ने बाजी मारी है। यहां पंचायत चुनाव में रमेश भाई ने 200 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उनकी इस जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, सभी लोग जश्न मना रहे हैं। अरावली से संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। अरावली के ब्यात तालुका में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां वडोदरा गांव में अनुसूचित जाति सोसाइटी की शकरीबेन हीराभाई चमार ने चुनावी मैदान को फतेह किया है। शकरीबेन हीराभाई को समाज के प्रति उनकी वफादारी के साथ साथ उनके ईमानदार स्वभाव और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ग्रामवासियों ने उन्हें चुना है। उनकी इस जीत से खुशी का माहौल है। अरावली से संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। बिहार के बांका में चुनावी दंगल खत्म हो चुका है। ऐसे में विजय रहे प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो आगामी 24, 27, 29 और 31 दिसंबर को विजय रहे प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें, 24 दिसंबर को चांदन बांका और निर्णय पंचायत के मुखिया सहित पंचायत समिति का शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वहीं 27 दिसंबर 2021 को सरपंच और ग्राम कचहरी पंच का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद 29 और 31 दिसंबर को बचे हुए मुखिया और पंचायत समिति का शपथ ग्रहण समारोह होना है। चांदन बांका से उमाकांत साह की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।